हाय माय फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी, टेस्टी और चटपटी कोल्ड ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिल्कुल देसी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे सत्तू का शरबत और पुदीना पानी, दोनों ही बहुत टेस्टी, बहुत चटपटी कोल्ड ड्रिंक की रेसिपी है। इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं पुदीना पानी। तो पुदीना पानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पुदीने की फ्रेश पत्तियों को 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है। आप भी बिल्कुल साफ तरीके से धो लीजिएगा। और इसके बाद हमने इसको एक बोल में 5-6 मिनट के लिए ऐसे भिगा के रख दिया पानी में, जिससे कि जो थोड़ी बहुत भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए और हमें बिल्कुल साफ़ साफ पुदीने के पत्ते मिल जाएं। तो आप देख सकते हैं पुदीने के पत्ते कितने अच्छे से क्लीन कर लिए हमने। आप भी बिल्कुल ऐसे ही इसको साफ़ करके यूज़ करिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे पुदीने की पत्ती को हम एक कप यूज़ कर रहे हैं 2 ग्लास शरबत बनाने के लिए। तो ये मेज़रमेंट आप ध्यान रखें। तो इस तरह से देखिए पत्ते को हम इस कप में डाल रहे हैं। आप कोई भी कप ले सकते हैं, ग्लास से भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 1 कप पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। तो इसको हम चटनी जार में डाल देते हैं और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमको एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमको ये प्यूरी मिल गई है और इसको हम छान लेंगे। वैसे आप इसे बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छान के यूज़ करेंगे तो पुदीने के पत्ते के जो रेशे हैं वो आपके मुंह में नहीं आएंगे, तो थोड़ा शरबत पीने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसको छान लिया, इस तरह की हमें प्यूरी मिल गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आपको शुगर सिरप बनाना बता रहे हैं। ये शुगर सिरप में हमने 1 कप पानी लिया है कढ़ाई में और 1 कप चीनी ली है। तो दोनों को हम तब तक पकाएंगे, मतलब कुक करेंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए। जैसे चीनी घुल जाएगी वैसे ही हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और हमारा यहाँ पे शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। तो अब हम बनाते हैं ड्रिंक। तो हमने इस तरह से दोनों ग्लास में हम डाल रहे हैं 3 से 4 चम्मच हम पुदीना का जो प्यूरी है, और अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस। तो आप नींबू का रस इसमें ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक। मैं यहाँ पे सफ़ेद नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। तो मैं दोनों ग्लास में 1/2 चम्मच के करीब काला नमक डाल देंगे। तो हमने देखिए दोनों ग्लास में काला नमक डाल दिया। इसके बाद हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं, रोस्टेड जीरा पाउडर। तो हम दोनों ग्लास में 1/2 चम्मच के करीब रोस्टेड जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो डाल देंगे। तो शुगर सिरप आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद कुछ लेमन की स्लाइसेस हैं उसको हम इसमें डाल देंगे और फिर आइस क्यूब्स डाल देंगे। आइस क्यूब्स डालने के बाद हम इसमें बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड पानी फ्रिज का डाल देंगे और ये हमारी ड्रिंक बनके बिल्कुल तैयार हो गई। 101% आप इसको बनाएंगे ना एक बार, मेरे कहने पे आप इसे रोज़ बना के पियेंगे। ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है और बहुत फ़ायदेमंद ड्रिंक है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं इस गर्मी के मौसम में। और थोड़ी सी नींबू की स्लाइस के साथ हम इसकी गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ठंडा ठंडा टेस्टी चटपटा पुदीना पानी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसके बाद हम बनाते हैं सत्तू का शरबत। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भुना चना लिया है, इसे बाज़ार में बहुत आसानी से ये मिल जाता है। हम इससे बनाएंगे सत्तू। इस भुने चने को हम जो है एक ग्राइंडर में जार में इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे और हमें सत्तू का पाउडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से ब्लेंड करने जा रहे हैं और बस हमें पाउडर बहुत पतला बनाना है, बहुत ही महीन हमें सत्तू का पाउडर बनाना है। तो अभी भी देखिए ये थोड़ा मोटा है, अगर हम इसको मोटा मोटा अगर हम शरबत बनाएंगे ना तो ये नीचे बैठ जाएगा, फिर आपको पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें पाउडर इतना महीन बनाना है कि जिससे कि जब हम उसका शरबत बनाएं ना तो वो नीचे बैठे नहीं सत्तू का पाउडर। तो बस यहाँ पे हम इसको एक बार और ब्लेंड कर देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पाउडर कैसा बना है। तो ये बहुत पतला पाउडर बना है, हमें बस ऐसा ही पाउडर। तो पाउडर हमारा सत्तू का यहाँ तैयार हो गया। इसके बाद हम महीन महीन बहुत ही पतली पतली स्लाइस में प्याज काट लेते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैं कितना पतला पतला काट रही हूँ। आप भी बिल्कुल ऐसे ही आधी प्याज काट लीजिएगा
और इसके बाद हम एक हरी मिर्च को भी बहुत महीन महीन चॉप कर देंगे। आधी या एक मिर्च बहुत है 2 ग्लास सत्तू का शरबत बनाने के लिए। और पुदीने के पत्तों को भी हम इसी तरह से खूब महीन महीन काट लेंगे। मुझे थोड़ा ज़्यादा पुदीने के पत्ते पसंद है तो मैं ज़्यादा काट रही हूँ, आप थोड़ा कम डालिएगा। तो बस यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को काट लिया। इसके बाद हम एक बोल में 4 से 5 चम्मच के करीब सत्तू का पाउडर डाल देंगे। और ये देखिए मैं इसमें पाउडर डाल रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है शरबत, बहुत ही बढ़िया, आप इसको ज़रूर एक बार बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने सत्तू डालने के बाद हम इसमें प्याज डाल दे रहे हैं जो हमने चॉप की थी महीन महीन, हरी मिर्चा डाल दे रहे हैं, पुदीने के पत्ते डाल दे रहे हैं, और अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो हम 1 टेबल स्पून के करीब इसमें काला नमक डाल दे रहे हैं क्योंकि हम 2 ग्लास शरबत बना रहे हैं। और हम 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें भुना जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं। और इसी के बाद हम इसमें एक अच्छा खासा नींबू का रस हम निचोड़ के डाल दे रहे हैं। बहुत चटपटा, बहुत ही हेल्दी ये ड्रिंक है। और इसमें हम खूब ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे। बस हमारी ये ड्रिंक बनके यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसको अच्छे से मिला देंगे, बस इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, और इसको अच्छे से घोल देंगे। ये घोल हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं पड़ते हैं, ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे हमारी ये बिहारी स्टाइल की सत्तू के शरबत की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल शुद्ध देसी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत हेल्दी होती है, इसको बिहारी लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, पीते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे आइस क्यूब्स। तो ये देखिए जितना मन करे उतना आइस क्यूब्स डालिए। तो यहाँ पे हमारी सत्तू की शरबत की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है शुद्ध देसी स्टाइल में। और इसके साथ हमने बनाया है पुदीने का शरबत, पुदीना पानी। तो सत्तू और पुदीना पानी दोनों बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों ने देखा इसे बनाना कितना आसान है, इस देसी कोल्ड ड्रिंक रेसिपी को। तो इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग के कमेंट से मेरा प्रोत्साहन बहुत बढ़ता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ मतलब देखनी है और मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो वो मुझे आप ज़रूर कमेंट किया करिए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी मैं हूँ, तो प्लीज़ मुझे उस पर भी फॉलो करिए। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मैं रोज़ एक नई वीडियो के साथ आती हूँ, तो वो आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।